नमस्कार, पॉलिटिकल बाबा में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोरंजन भारती। हैदराबाद में कांग्रेस कार्य समिति की बैठक दूसरे दिन भी जारी है। कई तरह के मुद्दों पर चर्चा हो रही है। आज की बैठक को विस्तारिक बैठक यानी एक्सटेंडेड CWC कहा गया है, क्योंकि इसमें राज्यों के प्रदेश अध्यक्ष और राज्यों में विधायक दल के नेता को भी बुलाया गया है। करीब 80 से ऊपर सदस्य हैं इस बैठक में, और उनसे हर एक राज्यों में जो चुनाव के वक्त जो परिस्थिति बनेगी, चाहे वो जिन राज्यों में विधानसभा के चुनाव होने हैं या फिर जिन राज्यों में 2024 के जो लोकसभा चुनाव हैं, उसके लिए सभी राज्यों से फीडबैक लिए जाएंगे कि उन राज्यों में किसके साथ गठबंधन किया जाए। लेकिन सबसे अहम जानकारी है कि कांग्रेस ने अपनी रणनीति में थोड़ा बदलाव किया है। कांग्रेस भी अब अगड़ी और पिछड़े की राजनीति के सहारे आगे बढ़ना चाहती है। कांग्रेस ने एक मांग कर दी है एक बार कि 50% जो आरक्षण की सीमा है उसको बढ़ाई जाए, और वो जो मांग जो कह रहे हैं आप अभी तक सुनते आए थे कि बिहार और उत्तर प्रदेश की पार्टियां करती आई हैं कि जिसकी जितनी संख्या उसकी उतनी हिस्सेदारी, तो कांग्रेस का कहना है कि ये मांग 2023 में राहुल गांधी अपने कर्नाटक के एक रैली में कर चुके हैं, और अब कांग्रेस इसको खुल के कह रही है। और कांग्रेस का कहना है कि जब आरक्षण की 50% की सीमा बढ़ा दी जाए, यानी कांग्रेस को लगता है कि जो पिछड़ा वर्ग है वो एक बहुत बड़ा वोट बैंक है, और इस वोट बैंक में सेंध लगाई जाए तो शायद कांग्रेस के दिन जो हैं वो बेहतर हो सकते हैं। निश्चित रूप से रणनीति के तौर पे यदि आप देखें तो ये एक बहुत ही अच्छी रणनीति होगी यदि वोट बैंक के लिहाज से आप देखें, क्योंकि इस वर्ग को अभी तक जो है पिछले दो चुनाव में BJP के साथ आप कह सकते हैं कमोबेश माना जाता रहा है। लेकिन अब कांग्रेस ने रणनीति में बदलाव करके वो जो ब्राह्मण दलित मुस्लिम वाली रणनीति थी उसमें फेरबदल करते हुए अब OBC की बात जो है कांग्रेस कहने लगी है, और आरक्षण की सीमा बढ़ाने की बात कांग्रेस कहने लगी है। ये एक सबसे बड़ा चेंज जो है वो हैदराबाद में देखने को मिला है। साथ ही कांग्रेस का कहना है कि महिला आरक्षण बिल जो है वो संसद के विशेष सत्र में लाया जाए और सरकार उसको पारित कराए। कांग्रेस का तर्क है कि महिला आरक्षण बिल पर जो है कांग्रेस मनमोहन सिंह की सरकार में राज्यसभा में पारित कांग्रेस करा चुकी है, और चूंकि राज्यसभा में ये बिल पारित हुआ है इसलिए ये बिल अभी जिंदा है। कांग्रेस का कहना है कि एक लंबा इतिहास है महिलाओं को आरक्षण देने का। सबसे पहले राजीव गांधी ने स्थानीय निकाय चुनाव में महिलाओं को आरक्षण दिया था जो अभी लागू है। उसके बाद कई बार जो है महिला आरक्षण बिल या तो लोकसभा में पारित हुआ और या फिर तो राज्यसभा में गिर गया, कभी राज्यसभा में पारित हुआ तो लोकसभा में गिर गया। लेकिन मनमोहन सिंह सरकार के समय ये बिल पारित हो चुका है राज्यसभा में, इसलिए ये बिल जिंदा है। इसलिए सरकार को ये बिल जो है इस विशेष सत्र में ला करके पास कराना चाहिए। तो यानी आप देखें तो कांग्रेस की रणनीति जो है पिछड़ी जाति प्लस महिलाओं को यदि आप जोड़ दें तो एक ऐसा बड़ा वोट बैंक बनता है जो कि कांग्रेस से छिटक करके दूर चला गया था, और कांग्रेस उसको पाने के लिए अपने पार्टी के या अपने जो चुनाव के रणनीति में ये फेरबदल करती दिखाई दे रही है। पॉलिटिकल बाबा में आज इतना ही। मनोरंजन भारती को इजाज़त दीजिए। नमस्कार।